सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्वागत करते हैं आपका एक और वीडियो में। जैसे कि आपने हमारी थार सीरीज़ देख ली होगी और साथ ही साथ अभी हमने एथर का भी रिव्यू किया था, तो गाइस उसके बाद हम एक और आपके लिए व्हीकल लेकर आए हैं जिसका नाम है स्कोडा कुशक। सो गाइस इसमें जो हम आपके लिए दिखाने वाले हैं वो ये है कि अगर आप हैचबैक के लिए सोच रहे हैं और अगर आप हैचबैक का टॉप मॉडल सोच रहे हैं और अगर आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं तो गाइस आप ये कार के लिए डू चेकआउट कीजिए। पर थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं मिनी एसयूवी में, और एक आप पावरफुल कार के बारे में सोच रहे तो ये कार कुछ आपके लिए बनी है। तो गाइस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। इसमें मैं इस कार का आपको फर्स्ट रिव्यू दिखाने वाला हूँ और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने वाला हूँ कि ये कार क्यों ओनर ने इसको परचेज़ किया और क्या इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और आपको ये कार क्यों लेनी चाहिए। सो गाइस फ्रंट से बात कर लेते हैं गाड़ी की। तो अगर आप फ्रंट से अगर इसकी ग्रिल देख रहे हैं तो इसमें जो आपकी ग्रिल मिलने वाली है वो सामने से ब्लैक रहेगी, और ये जो नीचे आप ये देख रहे हैं जो ब्लैक की वाले पार्ट्स, तो यहाँ पर कोई भी आपको फॉग लैंप्स प्रोवाइड नहीं करे जाते कंपनी से। आप कोई भी मॉडल परचेस करेंगे तो आपको सेम ऐसा ही मिलने वाला है। बाकी ये आपके यहाँ पर होते हैं DRLs और ये आपकी लाइट्स, तो कुछ इस तरीके से इसकी यहाँ पर लुक रहने वाली है गाइस। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ इसमें आपको चार मॉडल प्रोवाइड करे जाते हैं, तो ये फर्स्ट मॉडल है, ये एक्टिव मॉडल है। इसके बाद इसमें तीन मॉडल्स और आते हैं और अभी जो लेटेस्ट मॉडल कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो है मोंटे कार्लो एडिशन। तो उसमें बेसिकली क्रोम वर्क को हटा के और काफ़ी न्यू फीचर्स के साथ वो अपग्रेड करी गई है। तो अगर बात कर लेते हैं इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें दो इंजन प्रोवाइड करी जाती है, 1.0 टर्बो इंजन एंड 1.5 टर्बो इंजन। तो ये वाला जो मॉडल है ये आपका 1.0 में रहने वाला है। और कुछ इस तरीके से इसकी जो सबसे खास बात जो ऑनर ने परचेस करने से पहले बताया जो इसकी है बिल्ड क्वालिटी। अगर हम गाड़ी को अगर ऑन करेंगे ना गाइस, तो अगर आप किसी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और इसका खोलेंगे तो आपको इस आवाज़ से पता लग जाएगा कि इसके दरवाजे की कितनी ज़्यादा हैवी बिल्ड क्वालिटी है। बाकी अगर यहाँ टायर प्रोफाइल्स की बात करें, आपको चारों टायर विदाउट अलॉयज़ में प्रोवाइड करे गए हैं, ये बेसिक मॉडल है। और इसमें आपको साथ ही साथ इसमें 16 इंच के टायर प्रोवाइड करे जाते हैं, 205/60 R16 का टायर, यहाँ पे अपोलो का टायर आपको यहाँ पे चारों टायर मिलने वाले हैं गाइस। और लेफ्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग और जो आपके जो मिरर्स हैं, मिरर्स में आपको वाइट कलर का पेंट जो गाड़ी से मैच करता हो आपको मिलेगा, और साथ ही साथ मिरर में भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स प्रोवाइड करे गए हैं। तो जो मेन पॉइंट यहाँ पर जो आपको बताने वाला है गाइस, अगर आप हैचबैक टॉप मॉडल पे जाते हैं किसी कार का, तो गाइस वो आपका 10, 10.5, 11 के आसपास पड़ता है। और अगर इसकी बात कर लेते हो, एक बार इसकी आप लुक देख लीजिए गाइस, तो इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है वो आपका लगभग 12.5 लाख का यहाँ पड़ने वाला है। और 12.5 लाख में अगर आपको मिनी एसयूवी कार मिल जाती है वो भी स्कोडा से, तो गाइस इट्स टोटली अमेजिंग। तो अब मैं इसकी एक आपको एक यूनिक बात बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिक फीचर के बारे में इस कार की। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो गाइस जैसे अगर आप इसका किसी और गाड़ी से इसका दरवाज़ा कंपेयर करेंगे तो इसका काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर गाड़ी की रहने वाली गाइस। तो जो मेन पॉइंट जो अगर मैं ऑनर की बात कर लूँ तो परचेज करने की है, वो यही बात है कि इसमें जो 12.5 लाख में जो आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करती है गाड़ी गाइस, फर्स्ट फीचर जो मेन चीज़ होता है जो हर कोई यहाँ मिस करता है वो होता है बिल्ड क्वालिटी। तो ये भी मेरी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कार लेने से पहले, मैं एवरेज नहीं देखता गाड़ी की, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई एक्सीडेंट या कुछ मेजर एक्सीडेंट में होता है तो देर आर सम चांसेस कि आप बच सकते हो गाइस। तो हमेशा आप बिल्ड क्वालिटी पर मेन आपको फोकस करना चाहिए। बाकी अगर इसकी मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ तो समवेयर अराउंड इसमें आपको 355 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस प्रोवाइड करा जाता है गाइस। और जैसे कि मैंने आपको इंजन सीसी बता दिया था, 1.0 टर्बो इंजन है, तो वो 999 CC का यहाँ पे इंजन प्रोवाइड करा जाता है गाइस। तो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और इसमें जो आपको स्क्रीन है वो 7 इंच की यहाँ पे इसको स्क्रीन प्रोवाइड करी जाएगी, तो वो अभी हम बात करेंगे। इसमें इसकी इंटरनल जो इसका इंटीरियर है उसमें हम अभी बात करेंगे, तो 7 इंच का प्रोवाइड करा जाएगा। ऊपर बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एंटीना प्रोवाइड करा जाता है, और ये साथ ही साथ आपको ये साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्रिल्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जो बेसिकली अगर आप गाड़ी पे चढ़ना चाहते हो तो आप इसको पकड़ के भी चढ़ सकते हैं। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है गाइस। तो जैसे कि बात कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में भी आपको यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी, और साथ ही साथ जैसे मिरर्स की बात करी थी तो दोनों साइड मिरर्स में आपको वाइट कलर गाड़ी से मिलता हुआ पेंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो इसमें जो है आपके बेसिकली इंडिकेटर्स हैं उसका आपको आपके मिरर्स में भी ऑप्शन मिल जाएगा। जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आपके लिए रहेगी, आप कभी भी कोई कार परचेस करते हैं तो गाइस साथ ही साथ आप इसका PPF करवा लें या फिर आप इसमें कोटिंग करवा लें गाइस, तो आपका जो गाड़ी का जो कलर है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। अभी बिल्कुल नहीं है, बट जब आप इसको 2 से 3 साल बाद देखेंगे, और अगर स्पेशली अगर आपकी कार घर के बाहर खड़ी होती है गाइस, तो मेक श्योर कि आप ये दोनों काम कभी भी गाड़ी लेने से पहले ही, जैसे ही आप गाड़ी लेते हैं, विद इन 1 वीक विद इन 10 डेज़ में आप अपना ये वर्क कम्प्लीट करा लें। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये आपके लिए हमेशा रेकमेंडेड रहेगी। तो गाइस जैसे टायर प्रोफाइल आपको मैंने यहाँ पर बता दी है और इंजन प्रोफाइल आपको बता दी है, तो बाकी इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें इंटरनल
इंटीरियर में आपको क्या प्रोवाइड करा जाएगा। और इसमें जो मेन पॉइंट है कि इसमें ये 5 सीटर कार है और इसमें मतलब बेसिकली 4 बड़े ही बैठ सकते हैं और एक छोटा बंदा बैठ सकता है, उस तरीके से गाड़ियों को बनाया जाता है आज की डेट में। और जो इसकी बैजिंग है, अगर आप पीछे बात कर ले तो यहाँ पे आपका स्कोडा की बैजिंग और साथ ही साथ यहाँ पे कुशक का मॉडल आपको ये आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और जो भी इसका लेटेस्ट एडिशन है मोंटी कार्लो, उसमें काफ़ी यूनिक फीचर्स आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा, इससे उसमें भी हम आपके आगे चल के आगे बात करेंगे। तो गाइस अब मैं बैक सीट पे गाड़ी के बैठ चुका हूँ, तो गाइस कुछ इस तरीके से ये सीट रहने वाली है, मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये आप देख सकते हैं कि जो लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। और जो अगर पीछे से बात करूँ तो आपको यहाँ पीछे भी आपको विंड एसी, बेसिकली आपको एसी प्रोवाइड करा जाएगा गाइस। और ये आपको यहाँ पे कुछ ग्रिल्स यहाँ पे जो आपको ये पकड़ने का, जिसे हैंडल बार बोलते हैं, ये आपको यहाँ पकड़ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पीछे 2 लाइट्स प्रोवाइड करी गई हैं और आगे भी 2 लाइट्स यहाँ प्रोवाइड करी गई हैं। और ये पीछे बात कर लेते हैं तो हेडरेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 3 हेडरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। बीच में ये जो जहाँ पे आप कप हैंडल बोलते हैं, बेसिकली जहाँ पे आप अपने कप्स एंड होल्डर्स रख सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करी गई है। और साथ ही साथ कुछ कार्स में आपको पीछे भी चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, वो इस कार में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो गाइस इसमें जो एक यहाँ पे यूनिक फीचर आता है कि वो ये है कि अगर आप किया साइल्डोज या कोई और वेरिएंट इस गाड़ी के आसपास का परचेस करते हैं तो गाइस उसमें ये आपको 3 हेडरेस्ट नहीं प्रोवाइड करे जाते, वहाँ पे आपको 2 ही हेडरेस्ट मिलने वाले हैं, एक लेफ्ट में और एक यहाँ राइट में, सेंटर में आपको नहीं मिलेगा। बट यस, एक सेकंड फीचर यहाँ पर और यहाँ पे यूनिक आता है कि गाइस वहाँ पे ये जो है ये नॉन एडजस्टेबल रहते हैं किया साइल्डोज में, और बट इस गाड़ी में आपको ये एडजस्टेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ कुछ आपसे फ्रंट इंटीरियर की बात कर लेते हैं, तो अब आपको ऑनर खुद बताएंगे कि उन्होंने क्यों इस कार को परचेज़ किया और इसमें फ्रंट इंटीरियर में क्या कुछ खास बातें यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो अंकित यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से आप कुछ बताना चाहेंगे कि तो अच्छा तो इसकी अगर हम स्पेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको स्पेस फ्रंट में प्रोवाइड करेगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स और काफ़ी वैल्यूबल थिंग्स यहाँ पर अपनी रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिरर जो बेसिक सा मिरर हर गाड़ी में मिलता है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया, फ्रंट लेफ्ट साइड पे पिलियन सीट बोलते हैं जिसे, और यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करा जाता है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स, यहाँ पर नहीं आता है। और ये वाला जो है आपका बेसिकली डे नाइट में प्रोवाइड करा गया है, तो बेसिकली अगर आपको पीछे से कोई कार अगर आपको डिपर मार रही है या कुछ है, तो अगर आप इसको डाउन कर देते हैं तो उसकी लाइट्स आपको डायरेक्टली आपको आपकी आंखों में नहीं लगेगी, तो वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा गया है। और तो कुछ 3 कलर्स में इसका इंटीरियर आता है, तो आप देख सकते हैं ग्रे, और बीच में जो मिडल है वो पैनो लाइक ग्रे हार्ड लाइक डार्क ग्रे कलर बोल सकते हैं, और उससे ये कुछ इस तरीके से पियानो ब्लैक कलर बोलते हैं, और ऊपर इसमें कंप्लीट ब्लैक कलर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर एसी वेंट्स की बात कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको 4 एसी वेंट्स फ्रंट में प्रोवाइड करे जाएंगे, एक एरा आपका और 2 आपके सेंटर में रहने वाले हैं और एक आपका राइट साइड ड्राइवर साइड के पास रहने वाले हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया एक आपको पीछे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो अगर आप किसकी बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमने इसमें आपको जो बेस्ट पार्ट यहाँ पर है कि आपको 7 इंच की आपको स्क्रीन इनबिल्ट कंपनी से प्रोवाइड करी जाती है गाइस, और इसमें आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करे जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं हमने अपनी केबल यहाँ पे कनेक्ट करी है एप्पल के फ़ोन से, और यहाँ पे हमारा जो एप्पल प्ले है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है बहुत ईजिली, और आप ईजिली आप कोई भी फंक्शन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये वन ऑफ द प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है। और अगर हम इसके टॉप मॉडल की बात कर लें गाइस, तो इसके टॉप मॉडल में आपको इस सेम यहाँ पर 11 इंच की स्क्रीन प्रोवाइड करी जाएगी, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ वो आपको यहाँ पे यूज़ होने वाला है। बाकी मैनुअल एसी यहाँ प्रोवाइड करा जाता है गाइस। अभी हम 1 पर बैठे हैं और बाहर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 हो रहा है, और मुझे यहाँ पर कुछ भी कोई गर्मी नहीं लग रही है, तो जो इसका एसी है वो काफ़ी इफेक्टिव है गाइस, तो एसी क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगी। बाकी जो मेन पॉइंट है यहाँ पे एसी के, वो तीनों बेसिक्स ही हैं जो आपको दूसरी कार्स में भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो तीनों बटन का ऑप्शन है या बेसिक्स कार्स में भी आता है। बट यस, वन ऑफ द बेस्ट फीचर इस कार में जो यहाँ प्रोवाइड करा गया गाइस, यहाँ पे स्टेयरिंग कंट्रोल की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये बेसिक वेरियंट है, और आपको बेसिक वेरियंट में क्या क्या प्रोवाइड करा जाता है जो इसके जो इसके सेगमेंट में जो अदर कार्स आती हैं वो इवन उसमें भी नहीं प्रोवाइड करा जाता गाइस। तो यहाँ पर जो अगर फ्रंट में बात कर लेते हैं अगर इसके स्टेयरिंग की, तो गाइस लेफ्ट हैंड में जितने भी आपको यहाँ पर ये बटन्स दिख रहे हैं, ये सारे बटन्स आपके ये स्क्रीन के साथ कनेक्टेड हैं। इसमें हम जो भी ऑप्शन का यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ स्क्रीन में बिल्कुल कम्प्लीटली यूज़ होगा। और वन ऑफ द यूनिक फीचर ये जो स्क्रोलिंग का ऑप्शन है ना, ये मैंने बहुत यूनिक इस कार में देखा है, तो हेड्स अप है इसके लिए स्कोडा को। और अब इसका एक जो यूनिक फीचर है, ये तो हर कार में ही होता है गाइस, सबको पता है, बट अगर इसका राइट साइड वाला अगर आप देखते हैं, तो ये राइट वाले जितने बटन्स हैं ना, इससे आप अपने मिरर को कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। तो जो भी अगर आप इसमें आपको विजिबल दिखा पा रहे होंगे, तो इसमें इसके थ्रू आपके जो मिरर्स के जितने भी जो आपके बेसिकली जो आपका स्क्रीन है उसमें जो आपका मीटर कंसोल है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है गाइस। सेंटर में आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी गाइस, उसमें बाकी सेंटर में हॉर्न का ऑप्शन है, और बाकी इसमें ये
टू एयरबैग्स के साथ ही आपको प्रोवाइड करी जाती है। बाकी बात कर लेते हैं इसका जो 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 स्टेयरिंग है वो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट की आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मोड में प्रोवाइड करी गई। तो मेन पॉइंट यहाँ पे कहने वाला क्या है, अगर आप इसका जो बेस वेरिएंट भी लेते हैं उसमें भी आपको एडजस्टेबल मोड में मिलता है। आप देख सकते हैं इसको फ्रंट एडजस्ट भी कर सकते हैं और अप राइट एंड डाउन राइट भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर जो कोई भी गाड़ी कोई भी लाइक अगर आप कार परचेस करते हैं तो आपको बेस वेरिएंट्स में ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी जाती गाइस। तो कुछ इस तरीके से ये किसका यूनिक फीचर है। बाकी यहाँ पे बात कर लें तो आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक और यहाँ पे आपको कप होल्डर्स प्रोवाइड करे गए हैं गाइस, और यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं और इनबिल्ट आपको आपका फ़ोन भी आप यहाँ पे अपना चार्ज कर सकते हैं, वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। तो गाइस कुछ जो बेस्ट पॉइंट यहाँ पे आपको बताने वाली है गाइस, अगर जो अगर आप टॉप वेरिएंट कार या अगर आपको या हैचबैक के टॉप वेरिएंट पे जाना चाहते हैं तो गाइस उसके कंपैरेटिव अगर आप एक मिनी एसयूवी परचेस कर लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जो हमारा एक मेन फोकस रहता है गाइस, हम कार तो ले लेते हैं उसके बाद फिर हम जब कुछ राइड्स करके आते हैं तो उसके बाद हमारा मन करता है कि यार कुछ थोड़ा सा पिकअप होना चाहिए या थोड़ा सा इसमें लाइक हमारी मिनी एसयूवी टाइप कार होनी चाहिए। तो गाइस अगर आपका बजट अप टू 10 लाख रुपीज़ है और अगर आप हैचबैक सोच रहे हैं तो गाइस उस टाइम पर आप इस कार को भी एक बार आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं गाइस, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर बात करूं मैं इसकी सीट की तो सीट में भी काफ़ी अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करी गई है गाइस। अभी इसमें कुछ कवर्स नहीं लगे हैं बट जो अगर मैं सॉफ्टनेस देख रहा हूं तो इसमें काफ़ी अच्छी सॉफ्टनेस इस कार में प्रोवाइड करी गई है। बाकी मैं पीछे बैठा हूं तो जैसे कि मैंने आपको लेग रूम स्पेस बता दिया था कि लेग रूम स्पेस इसमें काफ़ी अच्छी है, अभी मैं एक बार फिर आपको बैठ के दिखा रहा हूं। तो गाइस देखिए इसमें काफ़ी अच्छी लेग रूम स्पेस भी प्रोवाइड करी जाती है और यहाँ साथ में भी अगर कोई बंदा बैठेगा तो कोई ऐसा इसमें अनकंफर्टेबल आपको फील नहीं होने वाला है। अगर हेड की बात कर लेते तो मेरी हाइट 5'11" है और अभी मेरे ऑलमोस्ट एक मुट्ठी जितना डिफरेंस है, तो गाइज ऑलमोस्ट 6'5" 6'3" तक का बंदा इसमें आसानी से इसमें बैठ जाएगा और इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला है गाइज। कुछ इस तरीके से इसका आपका फर्स्ट इंप्रेशन था इस कार का। सो गाइज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आगे हम न्यू कार्स का रिव्यू करते रहेंगे और न्यू बाइक का रिव्यू करते रहेंगे और अपने ट्रिप्स की भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे गाइस। और साथ ही साथ जो इसमें एक प्लस पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं इसमें आपको कंप्लीट ऑनर रिव्यू दिखाऊंगा कि ऑनर ने क्या फीडबैक शेयर किया इस कार से रिलेटेड और वाई ही ऑप्टेड दिस कार ओवर बलेनो एज ही इज़ अ बलेनो ऑनर। उसके बाद पहले बलेनो थी तो बलेनो छोड़कर उसने इस कार को क्यों ऑप्ट किया गाइस। तो चलिए आपसे अभी लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे किसी और फ्रेश ब्लॉग में गाइस। सो टिल देन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।